लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए, बाकी बदमाश भागने में सफल हो गए। पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि विगत दिनों में कुछ लूट की घटनाएं सामने आई थी और इन घटनाओं को 5 बदमाशों ने अंजाम दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश सहारनपुर बॉर्डर के पास छिपे हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। इसी बीच बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए और बाकी बदमाश भागने में कामयाब हुए। कुछ दिवस में 2 हाउस रॉबरी की घटना हुई थी, जिसमें बदमाशों द्वारा जो गंगनहर क्षेत्र में भी घुसकर जो है लूटपाट की गई थी, साथ ही साथ कोतवाली क्षेत्र में भी वहाँ घुसे थे और महिला से चेन स्नैच करके और 5 लोग फरार हुए थे। इसमें हमारी संयुक्त टीम जो है दोनों थाने की और CIU की SOG की टीम लगातार लगी हुई थी। सूचना प्राप्त हो रही थी कि सहारनपुर के जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहीं कहीं उन्होंने शरण ली हुई है और फिर से वारदात करने के लिए गैंग इकट्ठा हो सकता है। इस सूचना पर पूरे एरिया की घेराबंदी की गई थी रात को, और इसमें क्रॉस फायरिंग में जब बदमाश भागे तो उसमें 2 लोग इंजर्ड हुए। इसमें इसका नाम उपकार और अंकुर है और ये सहारनपुर के मनिहारन के रहने वाले हैं। बाकी इनके साथी जो हैं उनके भी नाम पता चले, जो पूरी घटना में शामिल थे और मौके से फरार हुए हैं। हमारी टीम सहारनपुर अन्य जगह दबिश दे रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।